नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज 29 जून को मेजा थाना क्षेत्र में हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने समाजवादी पार्टी के MLC की कार से 40 लाख रुपए पकड़ा है। पुलिस ने बरामद कैश को कब्जे में लेकर जांच के लिए आयकर विभाग सहित विभिन्न विभागों को पत्र भेजा है। वहीं कार सवार सफाई MLC और उनके साथ मौजूद दो लोगों की निजी मुचलके पर थाने से छोड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि इसका उपयोग जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किए जाने की आशंका है, जिसकी जाँच जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर रुपए लेकर आने जाने की सूचना मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए हाईवे सहित अन्य मार्गों पर संदिग्धों की तलाश में वाहन चेकिंग चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मिर्जापुर मार्ग पर पुलिस सोमवार रात चेकिंग कर रही थी। मेजा थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो की तलाशी में पुलिस को 40 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने कार सवार सपा MLC डॉक्टर मान सिंह यादव संजय यादव और कार चालक अरुण यादव से पूछताछ करी, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर कार समेत नकदी को जब्त कर लिया है। बरामद रुपए के बारे में पुलिस ने आयकर विभाग को जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस ने निजी मुचलके पर MLC और उनके साथ दो लोग को छोड़ दिया था।